तो गाड़ी में जो प्रॉब्लम है या कस्टमर का जो कंसर्न है कि एबीएस लाइट ऑन है सब ऑल टाइम, देखिए यहाँ पे एबीएस लाइट ऑन है, मेरा गाड़ी स्टार्ट है और स्पीड मीटर जो है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑलवेज ये जीरो शो कर रहा है और ये किलोमीटर जो है ये भी फिक्स्ड है। तो मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट है तो थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा जीरो जो है जीरो ही है और यहाँ पे किलोमीटर जो रीडिंग है वो तो चेंज नहीं होगा जब तक ये यहाँ पे जीरो। अभी मैं रिवर्स जा रहा हूँ, फिर मैं गाड़ी को थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ। ओके, तो कुछ भी प्रॉब्लम डायग्नोसिस करने से पहले आप अगर प्रॉब्लम को अच्छे से मतलब इसकी जो सिम्टम है उसको पकड़ेंगे तो काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। वैसा इस गाड़ी में देखिए, पहले ये तो मेरा पार्किंग ब्रेक ही है, अभी डाउन किया मैंने तो ये लाइट ऑफ हो गया। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है वो कि अगर यहाँ पे ये एबीएस के साथ साथ ये पार्किंग वाला लाइट भी जल जाता है तो हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद भी अगर ये लाइट जला हुआ रहता है तो इसमें आपका गाड़ी की जो एबीएस है उसमें एक से ज़्यादा सेंसर प्रॉब्लम होने की चांसेस है। अगर एक से ज़्यादा दो तीन कुछ सेंसर या फिर मॉड्यूल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है तो नॉर्मली उन सब केस में ये पार्किंग वाला लाइट जो है ये भी उसके साथ आता है। तो ये दोनों लाइट अगर एक साथ जला हुआ रहेगा हमेशा तो इस केस में आपकी गाड़ी में ये एक से ज़्यादा सेंसर की नॉर्मली प्रॉब्लम है। और इसके साथ और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जैसे कि जीरो किलोमीटर हमेशा शो कर रहा था तो ये स्पीड मीटर जो शो नहीं कर रहा है और साथ साथ एबीएस का लाइट जल रहा है। तो इस केस में आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि फ्रंट राइट हैंड साइड जो व्हील होता है उसमें जो एबीएस सेंसर लगा हुआ रहता है उसी से ये स्पीड मीटर कैलकुलेट करता है, क्योंकि इस गाड़ी में अलग से कोई भी वीएसएस सेंसर या फिर जो व्हीकल स्पीड सेंसर है वो अलग से लगा हुआ नहीं रहता है। तो इसकी जो सारा डेटा है स्पीड मीटर का ये एबीएस की जो राइट हैंड वाला व्हील है, आगे की जो राइट साइड की जो व्हील है उसमें जो सेंसर है उससे ये पूरा डेटा कलेक्ट करके यहाँ पे स्पीड मीटर में शो करता है। अभी मैं गाड़ी को स्कैन करके देखूंगा कि इसकी जो, मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि स्पीड मीटर नहीं काम कर रहा है तो फ्रंट राइट हैंड साइड की जो व्हील है उसकी सेंसर में प्रॉब्लम होने की चांस है या मे बी वायरिंग कट भी हो सकता है। तो चलिए एक बार गाड़ी को स्कैन करते हैं। तो अभी मैंने गाड़ी में स्कैनर को कनेक्ट किया और यहाँ पे एबीएस और ईएसपी को सिलेक्ट किया, ईपीएस को। यहाँ पे व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट आरएच ओपन और शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये जो ओपन शॉर्ट का कोड है इसमें ज्यादातर केस में देखिए दो कारण से होता है, एक तो अगर वायरिंग कटआउट है तो ये कोड आएगा और अगर आपका सेंसर में फॉल्ट है तो तब भी ये कोड आएगा। जब उससे कोई डेटा पास नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी ये ओपन और शॉर्ट का कोड आता है। तो इसकी जो डेटा है उसको एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो 254 शो कर रहा है व्हील स्पीड सेंसर राइट फ्रंट, मतलब आगे की जो राइट हैंड वाला पहिया है उसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो 254 में फिक्स्ड हो गया। अब इट्स पॉसिबल रीज़न है कि सेंसर खराब होने से भी ये हो सकता है और वायरिंग कटआउट भी हो सकता है, तो इसको भी हम सेंसर खोल के चेक करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ, ये सेंसर प्रॉब्लम होने की वजह से जैसे कि यहाँ पे जो एबीएस लाइट जला है, सेम अगर आपका फ्रंट राइट हैंड साइड की सेंसर में कभी भी ऐसा फॉल्ट हुआ तो जैसा कि इसमें स्पीड मीटर शो नहीं कर रहा है और एबीएस लाइट जल रहा है, बट इसके साथ साथ आपकी गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है मतलब स्टीयरिंग है ये भी हार्ड होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। आप अगर गाड़ी को लॉन्ग रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी की जो स्टीयरिंग है, क्योंकि स्पीड इसको कितना गाड़ी का स्पीड चल रहा है ये सेंस नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से ये स्टीयरिंग भी मे बी पॉसिबल कि हार्ड हो सकता है। तो चलिए ये व्हील खोल के अभी देखते हैं कि इसकी जो वायरिंग है उसी कनेक्शन। तो फ्रंट राइट हैंड वाला जो व्हील है ये अभी हमने खोला और इसमें ये जो व्हील स्पीड सेंसर है ये व्हील स्पीड सेंसर लगा हुआ है। पहले इसकी जो वायरिंग है या वायरिंग एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें रेड वाइट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाता है कई बार, ये इसके अंदर से रेड वाइट होने की चांस है। यहाँ पे अंदर इस कवर के पीछे कपलर लगा हुआ है,
ये जो कवर है इस कवर के पीछे, तो ये कवर खोलना है, बट मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो वायरिंग है, ये वायरिंग में रेड वाइट, मुझे लग रहा है कि रेड वाइट होने की चांसेस है। ये वायरिंग कटा हुआ है, तो ये व्हील स्पीड सेंसर का जो वायरिंग है, वैसे इतना तक व्हील स्पीड सेंसर है। इसके बाद ये वाला जो है, ये इसकी वायरिंग है। व्हील स्पीड सेंसर का जो वायरिंग है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग को काट दिया और इसको अभी जोड़ना है हमें। तो अब हम इसकी जो ये फेंडर लाइनिंग है, ये पूरा फेंडर लाइनिंग को खोल दिया। और ऑनेस्टली से कि एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मली दो तार रहता है, दो वायर रहता है ये, तो जैसे ही मुझे ये और दो एक्स्ट्रा मिल गया तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था कि ये दोनों कहाँ पर लगेगा, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को सही से देखा नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इधर में ये इंडिकेटर लगा हुआ है फेंडर में, तो इसकी वायरिंग ये भी रेड वाइट हो गया है, मतलब काट दिया है चूहे ने, और इसके वजह से ये वायरिंग मुझे अभी जोड़ना होगा। तो मैं बेकार में वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड वाइट होने के कारण चूहा ने ऐसे तार काट दिया कि इसकी व्हील स्पीड सेंसर की जो डेटा है ये पहुँच नहीं रहा है, और साथ साथ ये वाला इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा है। और इसके चलते, ये वायरिंग कटआउट होने के चलते, गाड़ी की जो स्पीड है या फिर जो व्हीकल का नॉर्मल माइलेज दिखाता है ओडोमीटर में, वो भी अपडेट नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये फ्रंट आरएच साइड का ये जो सेंसर है, ये सेंसर बहुत ही वैल्यूएबल रहता है एबीएस गाड़ी में। इसमें अगर ये वाला वायर या सेंसर खराब होता है तो स्टीयरिंग हार्ड हो सकता है कुछ गाड़ी में। मैं पर्सनली ये देखा कि इसके वजह से गाड़ी की जो एसी है उसमें भी प्रॉपर कूलिंग नहीं होता है। वायरिंग सारा मैंने जोड़ दिया, और अब ये जो कोड आ रहा था इसको इरेज कर देंगे। तो इसकी मेमोरी से भी हट गया है, और इस कंडीशन में मैं यहाँ पे देख सकते हैं जो यार एबीएस का लाइट पहले जल रहा था वो अभी ऑलरेडी बंद है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, इसकी जो डेटा है जो पहले 254 शो कर रहा था फिक्स्ड कंडीशन में, अब देखिए ये पूरा 00 में आ गया। तो गाड़ी को मैं स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब गाड़ी मेरा स्टार्ट है और गाड़ी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो रीडिंग है वो भी चेंज होगा, ठीक है। ओके, अब बैक कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जो सारा सेंसर है, सारे सेंसर का वैल्यू भी आपको दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।